तो रिसेंटली मुझे डेंगू हो गया था एंड 3-4 सालों में पहली बार मुझे बेड पे ऐसे यूजलेसली लेटे रहने का मौका मिला। डेंगू में तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही सीवियर केसेस देखे होंगे, हॉस्पिटलाइज, खून की बोतलें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर मेरे केस में इट वॉज जस्ट हाई फीवर एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। अब मेरे लाइफ के साथ ना ये ट्रेजेडी रही है कि मुझे करीब करीब हर साल ही अगस्त के आसपास जब ऑटम शुरू होने वाला होता है तब एक सीजनल फीवर का एपिसोड आता ही आता है एंड इस वजह से मेरे कई बर्थडेज में मैं बीमार रहा हूँ। तो इस बार भी आई थॉट सीजनल है, एक दो पैरासिटामोल घटकूंगा, कल परसों तक ठीक हो जाएगा। लेकिन एक हफ्ता हो गया एंड माई बॉडी टेम्परेचर वेर हिटिंग लाइक 102। इज दिस हाउ इट एंड्स? मेरे YouTube चैनल का क्या होगा? ये बेचारे सोच रहे होंगे एनिमेशन वीडियो है, टाइम लगता है। एनीवेज, फाइनली जब डॉक्टर ने सब चेक वगैरह किया एंड ये डिक्लेयर किया कि हाँ भाई डेंगू हो गया है इसे, ये सुनने के बाद मेरे और मेरे पूरे फैमिली का यही रिएक्शन था। कौन सा? अब इस रिएक्शन के पीछे रीजंस है। ओके, पहले तो मैं घर से उतना निकलता नहीं और मेरे पूरे अपार्टमेंट में ऐसा कोई केस नहीं निकला है, तो इस सरफिरे मच्छर का मैं ही फेवरेट पर्सन था क्या? और ऊपर से अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो यू वुड नो मेरे छाती से लेके पैर तक भालू जैसे बाल हैं। तो क्लियरली आई एम नॉट अ गुड कैंडिडेट फॉर द मच्छर टू बाइट मी। फिर भी आउट ऑफ ऑल द पीपल इट चोज मी। भाई सच बता रहा हूँ, इतना अनकंडीशनल प्यार ना मुझे किसी इंसान से नहीं मिला आज तक। खैर, ये सारे राज तो उस मच्छर के साथ ही चले गए, पर अब मुझे इस रियलिटी के साथ जीना था कि भाई बॉडी की तो हालत ख़राब है और शेड्यूल की तो वैसे ही बैंड बच चुकी थी उस एक हफ्ते में। सो नाउ आई वाज जस्ट काउंटिंग डाउन द डेज कि कब मैं इस काबिल बन पाऊँ कि अपने डेस्क पे फिर से जाके बैठ सकूँ। वैसे बीमार होने के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, जो बोलो घर पे वो बन जाता है, लोग प्यार से बात करते हैं एंड स्पेशली अगर तुम एक सिंगल चाइल्ड हो तो क्या ही कहने, ओवर पैम्परिंग की हदें पार हो जाएंगी एंड सिक लीव से बेटर कोई एक्सक्यूज नहीं है छुट्टी मारने का। समटाइम्स आई रियली विश कि ऐसे ब्रेक्स लेना स्कूल में एक लीव एप्लीकेशन लिखने जितना सिंपल होता, बिकॉज अभी तो जो मेरा मालिक है द यूट्यूब एल्गोरिदम, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊँ मरूँ हंसू खेलूँ रोऊँ, उसको बस एक चीज से मतलब है, वीडियो किधर है साले, ज्यादा बन रहा है। इनफैक्ट देर इज अ रेंज ऑफ रिएक्शंस दैट पीपल गिव यू जब वो सुनते हैं कि तुम बीमार हो। मेरे पापा इज ऑलवेज द रफ एंड टफ गाय। hey, कुछ नहीं हुआ, चल चल उठ जा, चल। यू नो आई विल बी लिटरली डाइंग इन पेन एंड हैव टू लिसन टू अ लेक्चर कि कैसे हमारी जनरेशन अपेरेंटली वीक होते जा रही है एंड उनके जनरेशन में तो कोई बीमारी नहीं पड़ता था एंड सब 100-100 साल तक जीते थे। मेरी मम्मी ऑन द अदर हैंड, उनको थोड़ा सा एंगर इश्यूज है क्योंकि वो मुझ पर ही चिल्लाने लगती थी जब मैं उन्हें बोलता था मेरी तबीयत सही नहीं लग रही। तो बचपन में जब तक एकदम ही मतलब हालत ख़राब नहीं होती थी, नाक आँख सब जगह से पानी नहीं निकल रहा होता था, तब तक आई यूज टू कीप इट अ सीक्रेट। फ्रेंड्स, दिस इज दी वर्स्ट कैटेगरी। बचपन में जब मैं बीमार पड़ता था तो ये लोग मुझे ही मेरे बेड से उठाकर ये हिसाब लगाते थे कि कीर्ति के मरने के बाद इसकी चीजों को कितने प्रोपोर्शंस में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इवन दो इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड मैं हर चीज को ऑनलाइन आउटसोर्स करने के सपोर्ट में नहीं हूँ, बट एक चीज जो सबसे बेस्ट लगती है मुझे कि आजकल अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन हो जाते हैं, यू कैन इवन वीडियो कॉल एंड चैट विद द डॉक्टर, अनलाइक 2000s के टाइम पर जब पूरे मोहल्ले में एक ही क्लिनिक हुआ करता था। मेरा वाला वॉज लाइक 20 मिनट्स अवे फ्रॉम माई हाउस बाई अ रिक्शा, उसके बाद फिर लंबी लाइन, एक ही डॉक्टर है जो कैंसर पेशेंट से लेके हेडेक तक सब वही देख रहा है। इन सब चक्कर में 1-2 डिग्री टेम्परेचर तो ऐसे ही बढ़ जाता था। यू नो, हर स्टेट या लोकेलिटी की अपनी अलग वोकैबुलरी होती है जिससे वो अपनी बीमारियों को एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्टर साहब गुड़गुड़ो गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है पेट में, गुड़गुड़ हलक में जाते ही पलट मार रहा है सर, पूरा मड़ोड़ मड़ोड़ सा उठ रहा है, ठंडा बोल रहा है नीचे। हैं भाई, सीधा सीधा बोलना, लूज मोशंस हो रहे हैं, ये क्या सिंबोलिज्म लगा के रखा है। एंड द फनी पार्ट इज कि उन डॉक्टर को बराबर समझ में भी आ जाता था कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा है ये। ओवरऑल टू बी ऑनेस्ट, इट वाज अ रियली रियली बोरिंग रिकवरी। ऐसा नहीं है कि मैं पहले कभी बेड रेस्ट पर गया नहीं हूं, क्लास 8 में मैंने अपनी टांग तोड़वा ली थी तो कम से कम 2 महीने तक मैं अपने बेड पर ही बैठकर आराम से टीवी शोज वगैरह देख रहा था। पर देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू आर हैविंग फीवर, राइट? टीवी चलाने से सर दर्द करने लगता है, फोन के स्क्रीन टाइम से आंखों से आंसू बहने लगते हैं, किसी से बात करने का भी स्ट्रेंथ नहीं बचता। इनफैक्ट मेरे पास उस वक्त इतना ज्यादा फालतू टाइम था ना कि मैंने लेजिट बैठकर फीवर सिम्टम्स का टीयर लिस्ट बनाया है। यस, जब तुम कंटिन्यूअसली 1-1.5 महीने तक बीमार रहते हो तो ऐसी चीजें करनी पड़ती है खुद को एंटरटेन रखने के लिए। तो इस टीयर लिस्ट में पैरासिटामोल ऑब्वियसली विल बी इन द टॉप, बिकॉज इससे एक्चुअली इमीडिएटली टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ओआरएस पानी, सर में गीली वाली पट्टी विल बी सेकंड,
Third would be home remedies. I think home remedies are really underrated for their benefits. Obviously, अब मैं घरेलू नुस्खे के नाम पर मिर्ची लेके नजर उतारने नहीं बोल रहा, but काढ़ा वगैरह जो you know शहद और तुलसी पत्ते को क्रश करके बनता है, it actually works. Fourth would be chocolates. Of course, you need the sugar for the dopamine. Fifth and the worst possible thing is immunity boosters. आजकल हर चीज पर लिखा होता है, नमक से लेके आटे तक. The reason I hate it is because पहले तो it doesn't work. दूसरा, अगर तुम बीमार हो तो इट्स ऑलरेडी टू लेट. और तीसरा, मेडिकल स्टूडेंट्स बैक मी अप ऑन दिस, कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज करके तुम्हारी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बढ़ सकती. वी ऑल हैव दैट अंकल और आंटी इन आवर फैमिली, राइट, हु इज लाइक सुपर प्राउड कि उन्हें कभी बुखार वगैरह नहीं होता बिकॉज वो ब्ला 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 एक्स वाई जेड चीज यूज करते हैं एंड देन दे एंड अप गेटिंग सिक एनीवेज. सी, दिस इज व्हाई ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड. एवरीबॉडी इज गैंगस्टर until your throat starts getting sore. Now, dengue और normal seasonal fever में ना ये difference है कि dengue का fever उतरने में एक तो time लगता है और दूसरा तुम्हारे blood platelets कम हो जाते हैं तो इंसान कहीं से भी easily bleed कर सकता है. इन्हीं reason से ना dengue उतरने के बाद भी बहुत weak हो जाता है आदमी. And presently मैं इसी phase में ये record कर रहा हूँ जहाँ पे I am regaining my strength. ऐसा कुछ sympathy gain वाली बात नहीं है. वैसे भी एनिमेशन होगा ना इस रिकॉर्डिंग के ऊपर, तो बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस ईदर आई एम फाइन एंड हेल्दी और डेड लॉन्ग एगो, तो तुम्हारे गेट वेल सून का कोई पॉइंट नहीं है. मतलब फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर तुम्हें इसी टाइप के एनिमेटेड रील्स देखने हैं. ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर. एंड दूसरा मेन वीडियो जो लैंग्वेजेस के ऊपर होने वाली है वो मोस्ट प्रोबेबली इसी साल अपलोड कर दूंगा. यू नो क्वालिटी टेक्स टाइम, क्लीशे हो गया है अभी तो बोल बोलकर, बट आई प्रॉमिस जल्दी मिलता हूँ. बाय बाय.